वीडियो शुरू करने से पहले दो चीज़ें, ये वीडियो अच्छे में दो पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब एक पार्ट जो कि बिल्कुल नॉन स्पॉइलर है, मतलब अगर तुमने मूवी नहीं देखी और तुम्हें मूवी देखने पहले समझना है कि मूवी के अंदर तुम्हें क्या मिलने वाला है, मतलब काइंड ऑफ परफेक्ट मूवी रिव्यू, तो वो पार्ट है। और दूसरा पार्ट जिसमें मैं मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ, मतलब काइंड ऑफ स्पॉइलर, देखो इतनी ज़्यादा बात नहीं करने वाला, पर हाँ अगर तुम्हें मूवी नहीं देखनी है, तुम्हें बिना मूवी देखे शॉप करना अपने दोस्तों को करना है ना, तो वो वाला पार्ट भी देख लेना। और हाँ, मैं मूवी हिंदी डब के अंदर देखा हूँ, ऑब्वियसली यार अपने इंडियन थिएटर के अंदर मूवी आई है, वो भी एनिमे मूवी और हिंदी डब के अंदर अवेलेबल है, तो उसमें क्यों नहीं देखेंगे हम। देखो पहली चीज, ये मूवी इंडिया के अंदर 250 स्क्रीन से भी ज्यादा के अंदर अवेलेबल थी, मतलब है। और जुजुत्सु कैसेन मूवी जीरो जो आई थी वो इंडिया के अंदर 220 स्क्रीन से अप्रोक्सीमेटली आई थी, ये उससे ज्यादा आई है, जो कि बहुत सी चीज है। पर जहां मैं देखने गया था, मुझे पता नहीं ये मूवी के पोस्टर होते हैं सिनेमा वाले लगाते हैं या उनको पेमेंट मिलती है मूवी वालों की तरफ से कि तुम लगाओ, पर मुझे कहीं भी मूवी के पोस्टर दिखे ही नहीं ड्रैगन बॉल के। और हाँ, ये मूवी इंडिया के अंदर जापनीज, इंग्लिश और हिंदी तीनों डबिंग के अंदर अवेलेबल है। अगर जाने वाले देखने, मैं तो प्रेफर करूंगा भाई प्लीज हिंदी डब के अंदर देख लो, सपोर्ट मिलेगा अपने लोगों को यार। अगर तुम एक ड्रैगन बॉल फैन हो, बुक माई शो खोलो, बुक करो टिकट अभी के अभी। ये मूवी तुम्हें ड्रैगन बॉल का हर एक एस्पेक्ट दिखा देगी मूवी के अंदर, बोले तो फुल पैसा वसूल मूवी है ड्रैगन बॉल फैंस के लिए। ये मूवी अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा 40 मिनट की है, तो ज्यादा बड़ी नहीं है और बोर बिल्कुल नहीं होने वाले अगर हिंदी डब में देखोगे तो। बीच बीच में अपने हिंदी डब के अंदर कुछ ऐसे वर्ड, ऐसी लाइन्स हैं जिनसे बहुत हंसी आती है और क्राउड हंसता है, बहुत अच्छा हंस रहा था क्राउड। अगर तुम्हें तो कुछ लोग ड्रैगन बॉल फैन नहीं हो, मतलब तुम ड्रैगन बॉल देखा भी नहीं, तो मुझे तो पता होगा गोकू वेजिटा कौन है, तुम तब भी मूवी देखने जा सकते हो। इस मूवी के अंदर पास का ज्यादा कुछ इंक्लूड नहीं करा गया, थोड़ा बहुत करा गया और वो शुरू में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जो कि बहुत टफ चीज नहीं है समझने को। तुम्हारा फिजिकल लेक्चर नहीं है, तुम्हें पहले लेक्चर पता होना चाहिए तुम्हें क्या पढ़ाया गया था, उसके बेस पे आगे चल रहे तुम्हारी चीजें। जहां मूवी देखो और एंजॉय करो। और जिन लोगों ने ड्रैगन बॉल देखा है, ये मूवी एक्चुअली में ड्रैगन बॉल सुपर जो था उसके बाद सेट है, उसके बाद भी नहीं एग्जैक्टली जो आई थी ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली जो मूवी आई थी 2018 के अंदर, ये उसके बाद सेट है, क्योंकि इसके अंदर हमारा ब्रॉली भी है, पर हाइप मत हो उसके, बहुत छोटे कैमियो उसका, बस छोटा सीन है एक दो, बस खत्म। बात करते हैं एनिमेशन के बारे में। देखो सिंपल बात, टॉप क्वालिटी, एक जगह भी ऐसा फील नहीं हुआ कि कहीं ना कहीं एनिमेशन या कुछ चीज मिसिंग रह गई, बिल्कुल भी नहीं। तो ये एनिमेशन काम इतना बढ़िया करती है, वन पीस वही बनाते हैं तुम्हें पता ना हो तो। और वन पीस से ज्यादा है, वन पीस मूवी रेड भी इंडिया के अंदर रिलीज होने वाली है, उसकी डेट अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर के अंदर आई है, वो भी देखने जाऊंगा, उस पर भी रिव्यू आएगा, वो तो पक्का देखने जाऊंगा। शैंक्स की मूवी है यार ये ना, उसके अंदर भी शैंक्स को 5 मिनट मिले और चलो भाई साइड हो जाओ तुम, ड्रैगन बॉल वापस आओ चलो जल्दी। जैसा ये बोल रहा था, एनिमेशन बहुत ज्यादा सही है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं जो मिसिंग लग रहा हो। जैसे तुम लोगों ने कोई एनिमे देखा हो, उसके अंदर कुछ सीन्स में फोकस कर रखा होता है, जो सराउंडिंग का पार्ट होता है इतना फोकस नहीं होता है, वो इतना अच्छा ड्रॉ नहीं कराया था, इसके अंदर कहीं भी 1% भी नहीं छोड़ी है कमी, हर चीज को इतना सही तरीके से बनाया। अगर फोकस दो कैरेक्टर्स पर हो रहा है, तो आसपास का बैकग्राउंड एनवायरमेंट वो भी पूरे का पूरा एक्टिव है। ऑब्वियसली यार मूवी है, बजट तो बढ़ाएंगे और उसके अंदर तो ये चीजें होती ही होती है। लेट्स टॉक अबाउट हिंदी डब, शॉर्ट में बोल देता हूँ 9.5 out of 10। मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था ये चीज। रिसेंटली हमने नारुतो देखा डब के अंदर, जिसके अंदर हमें काफी कमी महसूस हुई, मतलब कुछ कैरेक्टर्स के अंदर वो पावर नहीं है या वो वाली वाइब्स नहीं आ रही। मुझे काइंड ऑफ वही चीज उठा के, मैं वही माइंडसेट उठा के मैं मूवी देखने गया था, मे बी थोड़ा ऐसा ना हो या मे बी थोड़ा ऐसा हो। इस मूवी ने सिक्सर मार दी इस बात पे तो, लिटरली भाई वो एक्शन सीन हो, वो इमोशनल सीन हो, ड्रैगन बॉल में कम होते हैं इमोशनल सीन, वो रेस सीन हो या वो कोई भी सीन हो, जब ब्रॉली गोकू फाइट हो रही बीच में चिल्लाना हो रहा, हर चीज ऑन पॉइंट है। 1% भी फील नहीं हुआ फाइट के बीच में कि ये हिंदी डब चल रहा है, प्रॉपर लग रहा है कि भाई जापनीज में देख रहा हूं मैं चीज को। भाई वॉइस एक्टर्स के लिए बिल्कुल तालियां भाई, उन्होंने बहुत सही काम करा है, वॉइस एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। जैसे कुछ एक्शन सीन होते हैं ना, रेज वाले चिल्लाना और कहीं लगना वो सब, उसमें भी इतना सही आवाज निकाली है, मतलब मैं इनकी तारीफ ही कर रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा सही लगी वो। और हाँ, जो जापनीज वर्ड है उनको वैसे ही प्रोनाउंस करा गया, जैसे कामेहामेहा बिल्कुल वैसे ही बोल रहा, कुछ अलग टोन में नहीं बोला, बहुत सही है वो चीज भी। और हाँ, कुछ चीजें अपने हिंदी लैंग्वेज में बहुत सही बोली गई थी, बहुत हंसी आ रही है, मतलब फनी बनाने की बहुत सी कोशिश करी गई है, जो कि हुआ भी है सही। अब थोड़ा मूवी पे फोकस करते हैं। देखो ये मूवी बेसिकली रोटेट करती है दो एक्टर्स के अराउंड, पिकलो और गोहान। जैसे मैंने बताया इसका दिखाया, तो ग्रोकू वेजिटा ब्रॉली और अपना बीरस वीस ये लोग भी दिखाए गए हैं, पर बस बहुत छोटे पार्ट के लिए। साफ साफ बोलूं तो इसका ना सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम रहा है वो रहा है पिकलो का, सारा स्क्रीन टाइम खींचा पूरा पूरा बंदा। और पिकलो ने इस मूवी के अंदर बहुत परफेक्ट रोल निभाया एक सेंसे होएगा। अब जैसे कि मेन फोकस गोहान पे रहा, तो गोहान की फैमिली को भी दिखाना चाहिए, पर गोहान की जो वाइफ है उसको बहुत कम, उसको बस एक ही सीन है, वो भी वीडियो कॉल के अंदर, फोन पे कुछ है ही नहीं उसका सीन तो। पर हाँ, पैन के काफी ज्यादा सीन है। तुम लोगों को नहीं पता पैन कौन है, तो पैन हमारे गोहान और विडल की बेटी है। हाँ, गोहान की बेटी है पैन, तुम लोगों को नहीं पता था तो। अभी जो मैंने बताया इसमें 90% चीजें सारी इंटरवल से पहले की थी, अब इंटरवल के बाद में मेन फोकस करी गई है फाइट के ऊपर, क्योंकि वहां इंटरवल से लेके एंड तक फाइटिंग बहुत ज्यादा है और एंड में तो मेन बॉस आ जाता है मूवी का। मेन विलन के बारे में बात करेंगे, पहले कुछ और चीजें भी सुन लो। अब जैसे मैंने बताया इंटरवल के बाद फाइटिंग है, तो मतलब ये नहीं शुरू में बिल्कुल नहीं, शुरू में भी एक्शन है इस मूवी के अंदर।
क्योंकि बहुत सही है। मैं अपने भाई के साथ मूवी देखने गया था और मेरा शो सुबह 9 बजे का था। अब ये मैं बोल रहा कि 9 बजे तू गया था क्योंकि टिकट सस्ती होती है भाई, सुबह उठना चाहिए तुम्हें, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे माँ बाप नहीं बोले तुम लोगों कि सुबह उठो कामयाब बनोगे। और हमारे साथ सिनेमा में कितने लोग थे, अराउंड 20 से 30 लोग थे जो सुबह सुबह 9 बजे एक एनिमे की मूवी हिंदी रब के अंदर देखने आए। ये छोटी बात बिल्कुल भी नहीं, मुझे बहुत सही लगा। मैं मूवी देख रहा हूँ, लोग आया जा रहे हैं, लोग आया जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यस दिस मेक्स मी फकिंग फील गुड। मतलब काफी सारे लोग आए थे मूवी देखने और मतलब जब एक्शन सीन आ रहा है उस जगह लोग चिल्ला भी रहे हैं, मतलब लोग पूरा एंगेजमेंट हो रहे हैं मूवी के अंदर। लोगों को पता है गोगो कौन है, सब कुछ कौन है, एनिमे के फैंस बढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर। और मेरी तरह 2-3 लौंडे और आए थे जिन्होंने गोकू और मर्च पहने हुए थे, मतलब एनिमे मर्च। और अब सबसे मेन सवाल, विलन कौन था साला? देखो मैं तुम्हें बताने नहीं वाला हूँ, थी वो जिस स्पॉयलर वाले पार्ट के अंदर है, देखना देख लेना। विलन जो था उस पर थोड़ा सा हिंट देता हूँ। विलन इस सीरीज के अंदर ड्रैगन बॉल के अंदर पहले भी दिखाया गया है, ड्रैगन बॉल जी के अंदर, और उसको जिस बंदे ने ड्रैगन बॉल जी के अंदर हराया था उसी बंदे ने इस मूवी के अंदर भी हराया है। पर हाँ, जो विलन है और जिसने हराया है वो दोनों अलग फॉर्म के अंदर, अलग पावर लेवल्स के अंदर फाइट कर रहे हैं, बहुत खतरनाक पावर लेवल्स। और हाँ, इसके अंदर एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, तो जब मूवी खत्म हो, जब लिखा रहा उसने, डायरेक्ट करा उसने, करा वॉइस एक्टिंग, खड़े होकर जाना मत, बैठे रहना, बहुत अच्छा पोस्ट क्रेडिट सीन है और उस बारे में स्पॉयलर्स वाले पार्ट में बात करूंगा मैं। अगर तुम लोगों को स्पॉयलर वाला पार्ट नहीं देना तो एंड देख लेना, मैंने एंड में कुछ बात करी है, स्पॉयलर के बारे में नहीं है पर अलग चीज के बारे में बात। नो स्पॉयलर वाला पार्ट खत्म, अब हम बात करते हैं स्पॉयलर्स मतलब मूवी के बारे में। देखो मेन फोकस रहा है RR पे, नहीं नहीं गलत चीज नहीं सोचना, RR रेड रिबन, जिन्होंने ड्रैगन बॉल जी के अंदर, अगर तुमने ड्रैगन बॉल जी देखा तो तुम्हें पता होगा एंड्रॉइड्स थे जिन्होंने पहले विलन्स थे पर वो अच्छे बन गए थे, 17 और 18। ऐसे एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बनाया गया था जिसका नाम था सेल, और हाँ इस मूवी का मेन विलन है सेल, बट नॉट एग्जैक्टली सेल। सेल को दिखाया गया था ड्रैगन बॉल जी के अंदर एज अ विलन, और ड्रैगन बॉल जी के अंदर एक्चुअली और विलन विलन भी दिखाया गया जैसे कि मार्जिन बू, किड बू, वो सब भी, पर हम सेल के बारे में बात करते हैं। और उस टाइम सेल को हराया था हमारे छोटे से गुहान ने, इस टाइम भी एंड में गुहान वर्सेस सेल ही हुआ, बट एग्जैक्टली वो इन दोनों की फाइट नहीं हुई, बहुत लोग थे बीच के अंदर, पर तब गुहान वर्सेस सेल था और यहाँ पे था सेल मैक्स वर्सेस गुहान। अब ये सेल मैक्स क्या है भाई? सेल मैक्स ना सेल ही है पर बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत खतरनाक पावर्स, और मूवी के अंदर ये बोला गया था कि जो पुराना सेल था उससे 100 times ज्यादा पावरफुल है ये सेल मैक्स। सेल मैक्स की एक फिंगर इतना ह्यूमन का है, तो सोच लो कितना बड़ा होगा सेल मैक्स और कितना पावरफुल होगा। अब जैसे मैंने बताया इसके अंदर पिकलो ने बहुत परफेक्ट रोल प्ले करा है सेंसे होने का, तो उसने हाँ परफेक्ट रोल प्ले करा है, उसने गुहान के लिए सामने पिटा, ऑलमोस्ट मिनी सिचुएशन के अंदर था पिकलो, तभी गुहान के अंदर रेज आई और गुहान काइंड ऑफ, मुझे पता नहीं कौन सी फॉर्म है वो, काइंड ऑफ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाली वाइब आ रही थी, मतलब वाइट बाल वाइट हो गए तो गुहान के, मुझे लगता है ये कॉल दी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट लॉक कर दी इतनी जल्दी, पर कोई और फॉर्म होगी मेरे हिसाब से। और हाँ एंड में गुहान ही सेल मैक्स के ऊपर अपना फाइनल अटैक करता है और उससे सेल डिफीट होता है। इस मूवी के अंदर एक बहुत अजीब सीन दिखाया गया जिसके अंदर जो ब्रोली गर्लफ्रेंड थी ना, नाम याद नहीं उसका, गर्लफ्रेंड थी शायद से, उसका और बीरस का सीन, मतलब वो बीरस उसको देखता है और बीरस उस पर फिदा हो जाता है, और मतलब काइंड ऑफ बीरस पे फ्लर्ट करने की या थोड़ा इंप्रेशन जमाने की कोशिश करता, जो कि मुझे बहुत अजीब लगा। मतलब यार तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, तुझे कभी हमने देखा नहीं ऐसे पिघलते हुए, सख्त लोना पिघल गया यार। और हाँ इसके अंदर ट्रंक्स और गोटन्स भी हैं और उन दोनों का फ्यूजन भी होता है हमारा डांस वाला, जो कि गलत हो जाता है और वो मोटे गोटंग्स बन जाते हैं। और लेट मी टेल यू वन थिंग, ये मोटे गोटंग्स इतने हंसाते हैं भाई, इनके डायलॉग जितने भी लिखे हैं ना हिंदी डब के अंदर, भाई तेरे को चुम्मा भाई, तूने इतने फनी डायलॉग लिखे हैं ना, मतलब पूरा टाइम हंसी आएगी जब भी कुछ ना कुछ बोलेंगे। जैसे मैंने बताया इस मूवी के अंदर एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, वो सीन क्या है, मूवी के बीच में वेजिटा और गोगू की काइंड ऑफ एक प्रैक्टिस मैच शुरू होता है जिसके अंदर कुछ अटैक्स यूज नहीं करने, बस पंच और फिस्ट फाइट होगी, और वो खत्म होती है बिल्कुल एंड में जाके जो पोस्ट क्रेडिट सीन है, और उसके अंदर हमारा वेजिटा जीत जाता है। गोगू पीछे गिरता है और बोलता है मैं हार गया तुम जीत गए, वेजिटा भी बोलता है यस मैं जीत गया, वेजिटा भी गिर जाता है। ब्रोली ये सीन देख के रो जाता है कि वेजिटा ने बढ़िया फाइट जीता है भाई। तो ये था मेरा पूरा रिव्यू ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो मूवी के बारे में, जो कि मुझे बहुत सही लगी। जाओगे प्लीज 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 हिंदी डब के अंदर देखना, सपोर्ट मिलेगा अपने एनिमे वाले लोगों को यार। और हाँ तुम्हें भी वहां और लोग मिल जाए ओताकू या वीब्स, मुझे इतना ज्यादा कोई नहीं मिला, जैसे एक बंदे को तो नहीं बताता कि पैन कौन है, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे, मैं खुश हूँ कि वो मूवी देखने आया है, वो पायरेट या वो गलत मेथड से मूवी नहीं देख रहा, जो मैं बहुत अच्छा लगा वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था इतना ही क्यों ना, पर वो कर रहा है इंडियन एनिमे कम्युनिटी के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात। चलो वीडियो खत्म करते हैं और छोटा अपडेट भी देता हूँ मेरे फोन के बारे में, उसका कोई अपडेट नहीं है एक्चुअली, मैंने पुलिस से ही पूछ लिया, वो कह रहे हैं बस ट्रैकिंग पे लगा दिया, कुछ अपडेट नहीं है, पर हाँ मैं इस बारे में बताऊंगा कि क्या सब हुआ था एक अलग वीडियो के अंदर, मेरी मंडे तक निकाल लूँ मैं वीडियो, मैं थोड़े एविडेंस थोड़ी अपडेट्स और जाने की कोशिश करूँगा कि तुम लोगों को थोड़ा समझा सकूँ और तुम्हारा ऐसा होता है तुम्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सफर कर रहा हूँ जिससे अभी, बट इस बारे में बाद में बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू एंजॉयड इट। ड्रैगन बॉल के फैन वालों रेज बहुत ज़्यादा है, चिल्ला देना थिएटर के अंदर।